और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं देवघर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष देखिए, ये राहत की बात तो है कि संक्रमण दर घटा है, रिकवर जो लोग हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, तादाद बढ़ी है, और ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का इसमें कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही अब लोग इस बात को लेकर भी अवेयर हुए हैं कि बेवजह बाहर जाने से बचना है, और जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस है, उनका फॉलो अगर हम करें तो हम इस कोरोना की जंग जीत सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए आरती, जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, जो पिछले दो सप्ताह में जो जिस तरीके का जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, उससे दो तीन बातें तो बहुत सुख देने वाली है, संतोष पॉजिटिव खबर हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे राज्य भर में जो पिछले सप्ताह में संक्रमण का जो दर था 16.45% था, वो सीधे घट करके 8% पर आ गया है, तो 8 पर आ गया, तो निश्चित तौर पर सीधे 50% ये दर जो है वो हो गया, यानी संक्रमण का दर वो आधा हो गया है। इसका अर्थ सीधा सीधी है कि इस दौरान जो बदलाव किए गए, जो सप्ताह स्वच्छ सप्ताह जो लगाया गया जिस तरीके से, और उसमें लोगों ने जो सहयोग किया, ये कहना होगा कि लोगों ने भी सहयोग किया निश्चित तौर पर। कहीं से जरूर कुछ खबरें आई थी जहाँ पर SDM को देवघर में SDM को खुद करना पड़ा था, बाजारों में बंद करानी पड़ी थी, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि लोग अपने आप को बंद करके रख रहे हैं, खुद को घर में कैद करके रह रहे हैं, बेवजह बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और शायद क्रेडिट इसी बात के लिए जाता है कि लोग खुद अपने आप को घर में बंद के, जो राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया वो सकारात्मक रहा, बहुत सही रहा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहा निश्चित तौर पर। देखिए लगातार सभी जगह, रांची ही नहीं, राज्य भर में, और हम देवघर संताल परगना की भी बात करें तो पूरे दो सालों में दुमका में मात्र 35 लोगों की मौत हुई है, देवघर में अगर हम बात करें तो कल 3 लोगों की मौत हुई है, और रिकवरी रेट 79% से ऊपर है। वहीं गोड्डा में भी नए मामले जरूर आए हैं, लेकिन संक्रमण की जो दर है वहाँ भी कम हुआ है, तो संथाल परगना भी लगातार रिकवरी की ओर बढ़ रहा है, सुखद समाचार वहाँ से आ रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये रही है कि दो सप्ताह के अंदर राज्य भर के अलग अलग जिलों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो सैंपलिंग टेस्ट का दर है उसको भी बढ़ाया गया है, अब सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात चल रही है, बेड विस्तार कर दिया गया, ऑक्सीजन जैसी कोई कमी अब नहीं दिख रही है, तो ये एक सुख देने वाले और सुखदायक हम कहते हैं सब खबर है, ये पॉजिटिव खबर है सबके लिए, और निश्चित तौर पर इसके लिए क्रेडिट जाता है लोगों के लिए कि जो खुद को अपने आप को घर के अंदर बंद करके रख लिए। लेकिन आरती एक जगह कहीं ना कहीं कुछ मौत के आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, ये जरूर निश्चित तौर पर दुख देने वाली हो सकती है, क्योंकि मौत को पे नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसका भी सरकार को चाहिए कि एक एनालिसिस करे कि पिछले दो सप्ताह में जिन लोगों की मौत हुई है उसकी मौत की इमीडिएट वजह क्या थी, ऑक्सीजन नहीं मिलना, या फिर वेंटिलेटर की सुविधा उन्हें नहीं उपलब्ध हो सकी, या फिर वो किसी क्रॉनिक डिजीज से बीमार थे उसमें उनका, क्योंकि कोरोना पिछले लहर में भी देखा गया था कि कोई अगर गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित अगर पेशेंट है और उनको कोरोना अगर छू लेता है तो उनकी बीमारी पर पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था और मौत की वजह यही थी। इस बार जो देखा जा रहा है कि अगर आपका लंग्स अफेक्टेड हो जा रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी मौत को टाला नहीं जा सकता है, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार को एक कमेटी बिठा करके जितने मौत हुए हैं उस पर एक रिसर्च किया जाए, डेटाबेस तैयार किया जाए इमीडिएटकरण, और वो मौत क्या सरकारी अस्पताल में हुआ है या फिर निजी क्लिनिक में हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल में लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं, दूसरी ओर निजी क्लिनिक में खबरें आती हैं कि वहाँ अनाप शनाप पैसा भी लिया जा रहा है, वहाँ भर्ती कर लिया जा रहा है, इलाज नहीं किया जा रहा है, तो ये एक जरूरी है कि एक बार अगर इस पर बैठक हो, उनकी जानकारी ली जाए, जहाँ मौतें हुई हैं वहाँ सुविधाएं हैं कि नहीं है, या फिर उनके यहाँ जो अटेंडेंट है वो स्किल्ड है कि नहीं है, डॉक्टर कितने देर राउंड पर आते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होगी, और हम वहाँ पर सरकार ध्यान दे और एक रिसर्च करे और पता लगाए कि आखिर वजह मौत की वजह क्या रही, कहाँ लैप्सेज हुआ, तो निश्चित तौर पर इससे जो जानकारी मिलेगी, जो तस्वीरें बहुत हद तक साफ होंगी, और आगे की जो रणनीति बनानी होगी उसमें काफी सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सहयोग मिलेगा मनीष, और बड़ी बात ये भी है कि अब जब लोग समझ रहे हैं तो ये अब प्रशासन और सरकार के साथ साथ अब एक सपोर्ट अगर कहें तो, अगर जनता का सपोर्ट मिल रहा है तो अब हम इस जंग को वाकई जीतेंगे और इसकी तस्वीर अब सामने आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और देखिए अब राहत देने वाली खबर ये है कि संक्रमण दर घट रहा है और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है।